और देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए 2022 बहुत खास होने वाला है। आज प्रधानमंत्री देश के किसानों के बैंक अकाउंट्स में किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की किस्त ट्रांसफर करेंगे। दोपहर 12:30 बजे मोदी करीब 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करने वाले हैं। इसके तहत किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए आएंगे। नवरात्रे में किसानों को मिलेगी खुशखबरी, खाते में आएंगे 2,000 रुपए। 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भेजी जा चुकी है। किसान अब 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस बार सरकार किसानों को नवरात्रि का तोहफा दे सकती है। किसानों के खाते में नवरात्रि के शुरुआती दिनों में 2,000 रुपए आ सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए करके किसानों के खाते में ये किस्त भेजी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त को लेकर हलचल तेज हो गई है। भूले सत्यापन के कार्यों में तेजी आ गई है। माना जा रहा है कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या में काफी कमी आएगी। फिलहाल भूले सत्यापन का काम काफी सतर्कता से किया जा रहा है। यही वजह है कि 12वीं किस्त जारी होने में देरी हो रही है। पीएम किसान योजना को लेकर आपके मन में कोई आशंका या कोई शिकायत है तो आप पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप पीएम किसान योजना की ईमेल आईडी पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बता दें कि पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर ईकेवाईसी को लेकर जारी की जा रही समय सीमा हटा दी गई है। हालांकि वेबसाइट पर अभी भी ईकेवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ईकेवाईसी जरूर कर लें। ईकेवाईसी नहीं करने की स्थिति में 12वीं किस्त से आप वंचित रह जाएंगे। अगर आप उन किसानों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक अपनी ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो पीएम किसान योजना की ईकेवाईसी जाकर वेबसाइट पर तुरंत कर लें।